एक बार की बात है, रामपुर नामक गांव में शीतल अपनी सौतेली माँ जानकी के साथ रहा करती थी। जानकी बहुत ही ज्यादा दुष्ट और बुरे स्वभाव की औरत थी। उसके दिल में शीतल के लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं था। वह उसी के घर में उसे नौकरानी से भी बदतर रखा करती थी। घर का सारा काम बेचारी से कराना और जब दिल में आना उसकी पिटाई भी करना और खाने के लिए सिर्फ 2 दिन में 1 सूखी रोटी देनी और सिर्फ इतना ही नहीं, जानकी शीतल से सिलाई भी कराया करती थी क्योंकि शीतल को सिलाई करनी बहुत अच्छी तरह से आती थी। बेचारी शीतल ऐसे ही दुखों से भरी जिंदगी अपनी सौतेली माँ के साथ जी रही थी। जानकी की अपनी भी एक बेटी थी नैना, वह भी शीतल के ऊपर बहुत अत्याचार किया करती थी। शीतल की बच्ची, यह तूने कैसा नाश्ता बनाया है, इसके अंदर बिल्कुल भी स्वाद नहीं है, चल जा इसे यहाँ से लेकर जा और दूसरा बना। नैना दीदी, अगर मैं दूसरा नाश्ता बनाऊंगी तो फिर मैं बुटीक पर काम करने कैसे जाऊंगी, वहाँ जाने में देरी हो जाएगी, आप मेरे ऊपर थोड़ा तो रहम करो। सुबह 4 बजे उठकर सारा घर का काम करती हूँ, उसके बाद आपके लिए नाश्ता भी बनाती हूँ, मुझे तो नाश्ता करने का भी टाइम नहीं मिलता। दीदी मैं भी इंसान हूँ, आप जब देखो मुझे 2 टके की नौकरानी कहती रहती हो, मैं भी आपकी बहन हूँ सौतेली से ही, प्लीज मुझे इस नाम से मत पुकारा करो। शीतल ऐसा कह ही रही थी कि तभी वहाँ पर जानकी आ जाती है और वह शीतल की यह सारी बातें सुन लेती है। शीतल की यह बातें सुनकर जानकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह बेचारी शीतल की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और उसके बाल खींचते हुए उससे कहती है, मनहूस तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने आप को इस घर की बेटी कहने की, क्या तू भूल गई कि हमने तुझे सिर्फ इस घर में एक नौकरानी की हैसियत से रखा है। जब से तेरा वह बाप मरा है, मेरा बस चलता तो मैं तुझे उसी वक्त थक्के मार के निकाल देती, लेकिन मेरी महानता देख, तू जैसे मनहूस लड़की को इस घर में रहने की जगह दी, खाने के लिए खाना देते है और फिर भी तेरी इतनी जबान चले रही है। अगर आज के बाद तूने खुद को इस घर की बेटी कहा तो मैं तेरी सारी हड्डी पसली तोड़ दूंगी, समझ में आ रही है मनहूस? ठीक ठीक है मम्मी जी, ठीक है, आज के बाद मैं अपने आप को इस घर की बेटी नहीं कहूंगी, प्लीज मेरे बाल छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अभी बुटीक पर जाकर सिलाई भी करनी है, वहां जाकर भी काम ही करना होता है और फिर शाम को आकर आप सभी के लिए खाना भी तो बनाना है, प्लीज मेरे बाल छोड़ दीजिए। शीतल के बहुत ज्यादा गड़गड़ाने के बाद जानकी उसके बाल छोड़ देती है। बेचारी शीतल रोते हुए बुटीक पर काम करने चली जाती है और वहाँ पूरे दिन सिलाई करती है और घर आ जाने के बाद अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के लिए खाना बनाती है। इतना ज्यादा काम करने के बाद उसे खाने के लिए क्या मिलता, उनके आगे का बचा कुचा खाना। ऐसे ही समय बीत रहा था। इतना ज्यादा काम कर करके शीतल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी वह अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ बुटीक पर ऑर्डर की ड्रेस आई है और मालकिन ने मुझे वह ऑर्डर सौंपा है और उसके उन्होंने एडवांस पैसे भी दिए हैं जो आपने ले लिए, अगर सब में रहते ड्रेस तैयार नहीं की तो एडवांस लौटाना पड़ेगा और मेरी नौकरी भी चली जाएगी, लेकिन मेरी तबीयत ऐसी नहीं है कि मैं सिलाई कर सकूं, अगर आप मुझे दवाई दिला दे तो शायद मैं ठीक हो जाऊं। मम्मी इसकी कोई तबीयत खराब नहीं है, ड्रामा कर रही है, काम ना करना पड़े इसलिए आपको इसे दवाई दिलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, देखिए बिल्कुल ठीक ठाक तो खड़ी है। और हाँ मम्मी जी, मुझे आपसे कहना था कि मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रही हूँ, इसलिए मुझे 15,000 रुपए चाहिए, प्लीज दे दीजिए ना, मना मत करना। हाँ हाँ क्यों नहीं मेरी प्यारी बच्ची, यह लो 15,000 रुपए, यही तो उम्र होती है एंजॉय करने की, तुम जाओ अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो। और तो सुन मनहूस, मैं तुझे कोई दवाई वगैरह नहीं दिलाने वाली, चुपचाप जा और काम कर, और उसके बाद तुझे घर के इतने सारे काम भी करने हैं, बहुत दिन हो गए सफाई भी अच्छी तरह से नहीं हुई, अब मेरी तरफ आंखें बड़ी बड़ी करके क्या देख रही है, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, मैं तुझे दवाई नहीं दिलाने वाली। मम्मी यह तो गलत बात है, मैं इतनी ज्यादा बीमार हूँ फिर भी आप मुझे दवाई नहीं दिला रही, और नैना दीदी बिल्कुल ठीक ठाक है, वह पार्टी करने जा रही है, फिर भी आप उन्हें इतने ज्यादा पैसे दे रही हैं जो मैंने ही कमाए हैं, आप मेरी ही कमाई की 100 रुपए की दवाई भी नहीं दिला रही, आपके सीने में क्या दिल नहीं है?
तू मेरी बेटी नहीं है, तू मेरी सौतेली बेटी है, नैना मेरी सगी बेटी है। मैं चाहूँ तो अपनी शहजादी बिटिया के ऊपर सारी धन दौलत लुटा दूँ, इससे तुझे क्या मतलब? चुपचाप काम करने जाती है या फिर मारो एक थप्पड़ कान के नीचे। बेचारी शीतल क्या कर सकती थी, वह चुपचाप इतनी ज्यादा बीमार पहले घर के सारे काम करती है और उसके बाद बुटीक पर जाने के लिए निकल जाती है कि तभी रास्ते में उसे चक्कर आ जाते हैं और वह बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो शाम हो चुकी थी और वह बुटीक पर जाती है तो बुटीक मालकिन गुस्से में लाल पीली थी और वह शीतल से कहती है, शीतल यह क्या बदतमीजी है, मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा करके ड्रेस का ऑर्डर लिया था क्योंकि तुम ड्रेस अच्छी बनाती हो, लेकिन तुम आई ही नहीं और अब आ रही हो। तुम्हें पता है मुझे कितना बड़ा नुकसान हुआ है, पूरे 50,000 रुपए का। अब तुम्हें मेरे बुटीक पर आने की कोई जरूरत नहीं है और हाँ, मेरा जो नुकसान हुआ है उसे तुम ही भरोगी, जाओ यहाँ से। मालकिन जी मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, मैंने मेरी सौतेली माँ से दवाई के पैसे भी मांगे लेकिन उन्होंने मुझे दवाई नहीं दिलाई और तबीयत खराब के चलते रास्ते में मैं बेहोश हो गई और जब होश आया तो तुरंत आपके पास आ गई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप तो मेरी बात पर विश्वास कीजिए। आपको पता है मेरी सौतेली माँ मेरे ऊपर कितना अत्याचार करती है, मैं आपको 50,000 रुपए कहाँ से ला कर दूंगी। वह मुझे नहीं पता, मुझे मेरे 50,000 रुपए चाहिए तो चाहिए, चाहे तुम खुद को बेचो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेचारी शीतल और भी ज्यादा परेशान हो जाती है कि अब वह अपनी सौतेली माँ को क्या जवाब देगी। अगर उन्हें ये पता चलेगा कि उसकी नौकरी चली गई तो उसकी सौतेली माँ उसे घर में नहीं रखेंगी और अगर मालकिन के 50,000 रुपए नहीं लौटाए तो वह पुलिस के हवाले कर देंगी। शीतल के आगे कुआं पीछे खाई जैसी सिचुएशन बन गई थी। वह बहुत रोती है और बहुत ज्यादा हिम्मत करके घर चली जाती है और अपनी सौतेली माँ को सब बता देती है, लेकिन जानकी को शीतल के ऊपर जरा भी रहम नहीं आता। शीतल की तबीयत ठीक नहीं थी और उसे बुखार बहुत ज्यादा था, फिर भी उसकी बहुत ज्यादा पिटाई करती है और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। मनहूस, तेरा इस घर में कोई ठिकाना नहीं है और तुझे क्या लगता है तेरी लापरवाही की कीमत मैं चुकाऊंगी? मैं 50,000 रुपए दूंगी, कभी नहीं। मेरी बला से तू जेल जाती है तो चली जा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शीतल घर से बेघर हो जाती है और वह जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है। बाप पिताजी, आप दोनों मुझे इस तरह से कहना छोड़कर क्यों चले गए? क्या आपको अपनी बेटी के ऊपर जरा भी तरस नहीं आता कि वह कितनी कठिनाइयों से भरा अपना जीवन यापन कर रही है? देखिए मेरी कितनी ज्यादा तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी मेरी सौतेली माँ को मेरे ऊपर जरा भी रहम नहीं आया और मुझे घर से बेघर कर दिया। मैंने उनके लिए कितना सब कुछ किया, घर का सारा काम करती थी, चुपचाप नौकरी पर भी जाती थी, पाई पाई लाकर उन्हें देती थी, अपने ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं किया। और मेरे साथ आज उन्होंने क्या किया, मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ पिताजी, आप मुझे अपने पास बुला लो, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। इस तरह से शीतल बहुत ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी कि तभी शीतल के सामने एक रोशनी होती है और वह रोशनी किसी और की नहीं बल्कि उस रोशनी में शीतल की स्वर्गवासी माँ की आत्मा थी। अपनी माँ को अपने सामने देखकर शीतल और भी ज्यादा फूट फूट कर रोती है। तभी शीतल की स्वर्गवासी माँ शीतल से कहती है, शीतल मेरी प्यारी बच्ची, रो मत, मुझसे तेरी तड़पन देखी नहीं जा रही, तेरी तड़प मुझे यहाँ तक खींच कर लेकर आई है। मेरी बच्ची, मैं यहाँ तेरी मदद करने आई हूँ। यह ले जादुई सोने और चांदी की ड्रेस, जादुई सोने की ड्रेस पहनकर तुझे बहुत सारी धन दौलत मिलेगी और जादुई चांदी की ड्रेस पहनकर तेरी बीमारी छू मंतर हो जाएगी। अब तो अपने उस दुष्ट सौतेली माँ के अत्याचार से बहुत दूर अपना अलग एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर सकती है बेटा। नहीं माँ, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, अब आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस आपका आंचल चाहिए, आपके साथ तो मैं झोपड़ी में भी रह लूंगी। प्लीज आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, आप यहीं रहना। शीतल मेरी प्यारी बच्ची, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही तो हूँ, तुम्हारे दिल में जिंदा। बेटा मुझे कुछ समय का ही समय मिला था, अब मुझे जाना होगा। और बेटा अपने साथ साथ और भी लोगों की मदद करना,
ठीक है, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर शीतल की स्वर्गवासी माँ शीतल को जादुई सोने और चांदी की दो ड्रेस देकर वहाँ से अदृश्य हो जाती हैं। जादुई चांदी की ड्रेस पहनकर शीतल बिल्कुल ठीक हो जाती है, जैसे वह कभी बीमार थी ही नहीं। और जादुई सोने की ड्रेस पहनकर उसे बहुत सारी धन दौलत मिलती है और वह 50,000 रुपए अपनी बुटीक मालकिन को भी लौटा देती है और अपनी सौतेली माँ के अत्याचार से बहुत दूर अपना हंसी खुशी जीवन व्यतीत करती है और अपने साथ साथ और भी लोगों की मदद करती है। और ऐसे ही समय बीत रहा था, एक दिन गांव में अनाउंसमेंट होती है। सुनो सुनो, सभी गौर से सुनो, राजा सम्राट अपने इकलौते बेटे राजकुमार विराट की शादी कराना चाहते हैं, इसलिए वह इस गांव की सभी लड़कियों को आमंत्रित करते हैं। यह अनाउंसमेंट सुनकर गांव की सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं और नैना अपनी माँ से बहुत सुंदर ड्रेस तैयार कराती है। शीतल के पास उसकी माँ की जादुई सोने की ड्रेस थी और अब वह दिन आ जाता है। गांव की सभी लड़कियां सुंदर सुंदर ड्रेस पहनकर राजमहल जाती हैं और शीतल अपनी माँ की जादुई सोने की ड्रेस पहनकर जाती है, जिसे पहनकर वह किसी परी से कम नहीं लग रही थी। शीतल की सुंदरता के आगे कोई नहीं टिक पा रहा था और राजकुमार विराट को भी शीतल ही पसंद आती है। यह देखकर दोनों माँ बेटी जल भुनकर राख हो जाती हैं। मम्मी, यह शीतल की बच्ची यहाँ कैसे आ गई? और इसकी ड्रेस तो देखो, बिल्कुल सोने की लग रही है, कैसे चमक रही है। आपने तो कहा था कि वह किसी ट्रक के आगे आकर मर गई होगी, लेकिन नहीं, देखिए अब इस राजमहल की रानी बनने वाली है, जिसे हमने अपनी नौकरानी बना के रखा था। कोई बात नहीं बेटा, अभी तो सगाई हो रही है, शादी में तो बहुत समय है और मुझे लगता है यह जो ड्रेस इसने पहनी है यह कोई मामूली नहीं है। तुझे दिखाई नहीं दे रहा, यह मनहूस पहले से कितने ज्यादा सुंदर लग रही है। मेरा नाम भी जानकी है, इसे तो मैं रानी बनने नहीं दूंगी। रानी तो सिर्फ तू ही बनेगी, क्योंकि अगर ये मनहूस तेरे रास्ते से हट जाएगी तो फिर तेरे आगे कोई टिकने वाला नहीं है। राजकुमार और शीतल की धूमधाम से सगाई हो जाती है। शीतल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वह अपने घर वापस आ जाती है। तभी जानकी और नैना शीतल को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसके घर जाती हैं और दोनों माँ बेटी शीतल को बांध देती हैं और उससे कहती हैं, दो टके की नौकरानी, तू बनेगी रानी, राजकुमार विराट से शादी करेगी, हमारे होते हुए ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता। अब मरने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि तुझे अपने माता पिता की बहुत याद आती है ना, बहुत रोती है ना उनके लिए, तो अब जा, हमेशा के लिए उनके पास चली जा। ऐसा कहकर जैसे ही दोनों माँ बेटी शीतल को जलाने के लिए आग लगाती हैं, तो शीतल की माँ की जादुई सोने की ड्रेस वहाँ आ जाती है और अपने अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक आग निकालती है और दोनों माँ बेटी को जलाकर राख कर देती है। दोनों माँ बेटी को उनके लालच और बुरे कर्मों की सजा बहुत अच्छी तरह मिल जाती है और कुछ दिन बाद शीतल की शादी राजकुमार विराट के साथ बहुत धूमधाम से हो जाती है। इस तरह शीतल अपनी माँ की जादुई सोने और चांदी की ड्रेस की मदद से राजकुमार विराट के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करती है। बहुत समय पहले की बात है, रामपुन नामक गांव में दो बहनें टीना और मीना अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रहा करती थी। टीना और मीना के माता पिता दोनों ही जॉब किया करते थे और वह कंपनी की तरफ से विदेश गए हुए थे। टीना और मीना दोनों बहनें एक साथ रह रही थी, समय पर स्कूल जा रही थी, समय पर खेल रही थी, समय पर अपने सभी काम कर रही थी। एक दिन टीना मीना से कहती है, दीदी दीदी, एक महीने से ज्यादा हो गया, मम्मी पापा क्यों नहीं आ रहे, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, कितने दिन और लगेंगे दीदी? टीना, मैं तुझे सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन चलो, मम्मी पापा की तुम्हें बहुत याद आ रही है, इसलिए मैं तुम्हें बता देती हूँ। बस कुछ ही समय में मम्मी पापा हमारे पास आने वाले हैं और तुम्हें पता है वह विदेश से हम दोनों के लिए बहुत सारा सामान भी लेकर आ रही हैं। इस तरह से दोनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और अपने मम्मी पापा के आने का इंतजार करती हैं। लेकिन कुछ समय बाद दोनों बहनों को बहुत ही ज्यादा दुखद खबर मिलती है, जिसे सुनकर दोनों बहनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, मानो जैसे उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका हो। जहां दोनों बहनें अपने मम्मी पापा के आने का इंतजार कर रही थी, वहां दोनों की डेड बॉडी आती है। यह देखकर दोनों बहनें बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है। Yeah.
नहीं नहीं मम्मी पापा, आप इस तरह से हम दोनों बहनों को अनाथ कर अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। हमारा तो आपके सिवा दुनिया में कोई नहीं है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? हम कितने ज्यादा खुश थे कि आप दोनों आ रहे हैं। हम दोनों ने पूरे घर को सजाया और आप दोनों के लिए केक भी बनाया था। मम्मी पापा प्लीज अपनी आंखें खोलिए ना और हमसे बातें कीजिए ना। मम्मी पापा प्लीज प्लीज अपनी आंखें खोलिए, हमें इस तरह से अकेला छोड़कर बच जाइए। क्या दीदी सच में मम्मी पापा हमसे कभी बात नहीं करेंगे, हमारे साथ नहीं रहेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मम्मी पापा अब मैं आप दोनों के बिना कैसे रहूंगी, हमें आपकी बहुत याद आएगी। आप दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मीना टीना को दिलासा दे ही रही थी कि तभी वहाँ पर टीना और मीना की चाची कावेरी और उनके दो बच्चे बेटा क्रिश और बेटी सुनैना आ जाती हैं और चाची दोनों बहनों को दिलासा देते हुए कहती हैं, अरे मेरी बेटियों तुम्हें इस तरह से उदास नहीं देख सकती, चुप हो जाओ, जो होना था सो हो गया, होने को कौन रोक सकता है। तुम्हारे मम्मी पापा के बारे में सुना बहुत अफसोस हुआ, लेकिन तुम खुद को अकेला मत समझो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। इस तरह से चाची दोनों बहनों को दिलासा देती हैं। कुछ समय बाद टीना और मीना के माता पिता का दाह संस्कार हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन दोनों बहनें स्कूल को तैयार होकर जा रही थी कि तभी चाची कहती हैं, ओहो अच्छा तो दोनों बहनें अब स्कूल जा रही हैं, घर में जितना सारा काम है वह कौन करेगा, तुम्हारी मरी हुई माँ। जो दोनों बहनें तैयार होकर स्कूल जाने लगी, तू सुन मीना किचन का सारा काम तू ही संभालेगी, और तू सुन छोटी कपड़े धोना, सफाई करना, बर्तन साफ करना और हाँ इस्त्री भी करना, यह सारे काम तू करेगी, किसी भी काम में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, सारा काम अच्छी तरह से हो जाना चाहिए। चलो चलो ड्रेस उतारो और काम पे लग जाओ, मनहूस आई बड़ी स्कूल जाने वाली। अपनी चाची के मुंह से यह सारी बातें सुनकर दोनों बहनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। तभी मीना कहती है, चाची यह आप क्या कह रही हैं? हम काम भला क्यों करेंगे, हमारा स्कूल जाने का समय हो रहा है, हम स्कूल जा रहे हैं और आप तो यहाँ पर हमारी देखभाल करने के लिए रुकी थी। अगर आपको यहाँ रहने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप अपने परिवार के साथ यहाँ से जा सकती हैं, हम दोनों बहनें अकेले भी रह लेंगे। मुझे पता था, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता था कि एक दिन तुम दोनों मनहूस बहनें हमें घर से बाहर निकालने की बात जरूर करोगी, तभी तो इतने दिन से तुम्हारी चापलूसी कर रही थी, तुम्हारा आगे पीछे घूम रही थी ताकि सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर सकूं, और अब मैंने सब कुछ अपने नाम कर लिया है, इसलिए अगर इस घर से कोई जाएगा तो वह हम नहीं है, वह तुम दोनों अनाथ बहनें हो, इसलिए अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो चुपचाप जैसा हम कहते हैं वैसा करो, वरना दर्द की ठोकरे खाओगी और एक समय कभी खाना नहीं मिलेगा। मम्मी मम्मी आपको पता है इन दोनों बहनों का रूम बहुत ज्यादा सुंदर है, और आप जानती हैं इनकी सभी ड्रेस मेकअप का सामान ज्वेलरी बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर है। मम्मी इनका रूम इनकी ड्रेस और इनकी ज्वेलरी सब कुछ मुझे चाहिए। हाँ 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 क्यों नहीं मेरे प्यारे बच्चे, इनका आज से जो भी कुछ है वह सब कुछ तुम्हारा ही तो है, और तुम सुनो आज के बाद तुम इस महल जैसे घर के अंदर भी नहीं रहोगी, बाहर जो गौशाला है उसके अंदर रहोगी, सारा काम खत्म करने के बाद चुपचाप उसके अंदर सोने के लिए चली जाना, इस घर की तरफ आंख उठाकर भी मत देख लेना, जाओ जल्दी से हमारे लिए नाश्ता तैयार करो। और तो सुन टीना की बच्ची, जो तूने कल व्हाइट लहंगा पहन रखा था ना वह अच्छी तरह से धोकर इस्त्री कर देना, मुझे वह बहुत पसंद आ रहा है, आज मेरी दोस्त का बर्थडे है, मैं अपनी दोस्त के बर्थडे पार्टी में उसे ही पहन कर जाऊंगी, जल्दी से उसे धोकर इस्त्री कर मनहूस। बेचारी दोनों बहनों के पास कोई और रास्ता नहीं था, उन्हें अपनी चाची की बात माननी पड़ती है। मीना किचन में नाश्ता बनाने के लिए चली जाती है और बेचारी टीना जिसने आज तक झाड़ू को हाथ नहीं लगाया था वह पूरे घर की सफाई करती है, कपड़े धोती है और उसके बाद सुनैना के लिए व्हाइट लहंगे पर इस्त्री करने लग जाती है और ख्यालों में खो जाती है। कुछ जलने की बू आती है तो वह देखती है कि लहंगा पूरी तरह से जल चुका है। कुछ समय बाद सुनैना भी वहां आ जाती है और वह लहंगा जला हुआ देखकर आग बबूला हो जाती है। पहले तो टीना की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और उसके बाद इस्त्री उठाती है और उसके हाथ पे लगा देती है और फिर उसी हाथ को मोड़ते हुए उससे कहती है,
तूने ये लहंगा जानबूझकर चलाया है ना, ताकि मैं इस लहंगे को पहन न सकूं, क्योंकि ये तेरा था। मम्मी मम्मी जल्दी से यहाँ पर आइए और देखिए इस अनाथ और मनहूस ने क्या किया है। जो लहंगा मुझे पसंद था वह इसने जानबूझकर जला दिया मम्मी। नहीं नहीं सुनैना दीदी, आपको कुछ गलत फहमी हो रही है। मैंने यह जानबूझकर नहीं चलाया, प्लीज पहले मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे बहुत जलन हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज दीदी मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दीदी दीदी हाँ सच में टीना को बहुत दर्द हो रहा होगा, प्लीज आप इसका हाथ छोड़ दीजिए। मीना के बहुत गिड़गिड़ाने के बाद सुनैना उसका हाथ छोड़ देती है, लेकिन मीना के सामने एक शर्त रखती है। ठीक है मैं तेरी इस बहन का हाथ छोड़ देती हूँ, लेकिन इसके लिए तुझे मेरी एक शर्त माननी होगी। जंगल के बाहर जो नदी है, वहाँ जो कांटे वाला रास्ता है, उस पर तुझे नंगे पैर चलकर तुझे वहाँ से मेरे लिए जो जामुन का पेड़ लगा है वहाँ से ताजी ताजी जामुन तोड़ के लेकर आनी होगी। अगर तू मेरे लिए जामुन लेकर आ गई तो ठीक है। क्यों मम्मी, मैं इन दोनों अनाथ मनहूस बहनों को सही सजा दे रही हूँ ना? हाँ हाँ क्यों नहीं मेरी प्यारी बच्ची, तुम बिल्कुल ठीक सजा दे रही हो। अगर इनकी रस्सी अभी से खींच के नहीं रखी तो ये तो सर पर बैठ जाएंगी। अपनी बहन के लिए मीना यह शर्त मान जाती है और वह नंगे पैर जंगल के बाहर जो कांटे वाला रास्ता था उस पर चलकर जाती है। बेचारी के पैरों से खून निकल रहा था, लेकिन वह उस पर चलकर जामुन तोड़कर लेकर आ जाती है। टीना का हाथ जख्मी था और बेचारी मीना के पैर जख्मी थे, और फिर भी दोनों बहनें घर का काम कर रही थी। और जब सारा काम करके दोनों बहनें अपने हिस्से का खाना लेकर गौशाला में जा रही थी, तभी कावेरी दोनों से उनकी थाली छीनकर फेंक देती है और दोनों को एक एक जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, देखो तो हमारी बिना परमिशन के दोनों बहनें किस तरह अपनी थाली सजा के लेके जा रही हैं। तुम्हें किसने परमिशन दी? तुम ये खाना नहीं खाओगी। सुनैना बेटा जाओ जल्दी से जो मैंने इन दोनों मनहूस बहनों के लिए प्लेट बना के रखी है वह लेकर आओ। आज के बाद तुम वही खाओगी जो हम तुम्हें देंगे, अपने हाथ से कुछ नहीं लोगी, समझ रही हो मनहूस? सुनैना एक प्लेट लेकर आती है जिसके अंदर सूखी रोटी अचार के साथ रखी थी, और वह कावेरी दोनों बहनों को थमा देती है और गौशाला में भेज देती है। दोनों बहनें वह सूखी रोटी गौशाला में ले जाती हैं, तभी टीना रोते हुए अपनी बहन से कहती है, दीदी दीदी हमारे इतने भी बुरे दिन आ जाएंगे, यह तो कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था। मम्मी पापा के इस दुनिया से जाने का गम अलग, और चाची का जुल्म और अत्याचार एक तरफ, हमारी पढ़ाई भी छिटवा दी, नौकरानी की तरह हमसे काम करवाती है, मेरा हाथ चला दिया और आपको कांटे वाले रास्ते पे चलाया, पूरे दिन हमसे गधों की तरह काम भी करवाया, और अब दी सूखी रोटी और हमें यहाँ भेज दिया गौशाला के अंदर जहाँ मच्छर मक्खियाँ गंदगी। दीदी इससे अच्छा होता कि मम्मी पापा के साथ हम भी इस दुनिया को छोड़ के चले जाते, कम से कम यह नर्क जैसी जिंदगी तो नहीं जीनी पड़ती। मेरी प्यारी बहन यह बुरे दिन भी गुजर जाएंगे, हम है ना एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का सहारा, तुम उदास ना हो, और मुझे तुम्हारा जख्म पहले से बेहतर लग रहा है। यह लो रोटी, हम इसे पानी के सहारे खा लेंगे। वैसे मम्मी पापा आपको हमें इस तरह से अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। देखिए आपके जाने के बाद हम दोनों बहनों की जिंदगी कैसे क्या हो गई, हम क्या करें, हमारी तो कोई मदद करने वाला भी नहीं है। इस तरह से दोनों बहनें अपने माता पिता को याद कर रही थी और वह सूखी रोटी पानी के सहारे खाने लगती हैं कि तभी वहाँ टीना और मीना की माँ की आत्मा आ जाती है और वह टीना और मीना से कहती हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माय डियर टीना, हैप्पी बर्थडे टू यू। 12 बज चुके हैं और तुम अपना जन्मदिन कभी नहीं भूलती, आज तुम अपना जन्मदिन कैसे भूल गई टीना बेटा? मम्मी आप स्वर्ग से मुझे बर्थडे विश करने आई हैं। मम्मी आप कितनी अच्छी हैं। मम्मी आपको पता है हमारी चाची हम दोनों बहनों के ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार करती है, आपको तो स्वर्ग से सब दिखाई दे रहा होगा, ऐसी नरक जैसी जिंदगी में भला क्या जन्मदिन याद रहेगा? मम्मी अब आप हमें छोड़कर कहीं मत जाना, हमारे साथ रहना। नहीं बेटा ये तो नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, लेकिन मैं तुम्हारे दिल में हमेशा जिंदा हूं। मीना बेटा मेरे पीछे तुमने अपनी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहती हूं।
जादुई लहंगा और जादुई सैंडल तुमने अभी तक ब्रीफकेस खोलकर नहीं देखा। उसके अंदर एक सुंदर लहंगा और सुंदर सैंडल है जो हम तुम्हारे लिए लेकर आ रहे थे। बेटा तुम्हें पता है जिस दिन हम आ रहे थे उस दिन हमारी कार के सामने एक मासूम बिल्ली आ गई जिसकी वजह से हमारा एक्सीडेंट हो गया। वह बिल्ली किसी और की नहीं बल्कि एक परी की थी जिसके अंदर उसकी जान बसती थी। वह परी तो हमें बचा न सकी लेकिन उसने टीना का लहंगा जादुई कर दिया और मीना तुम्हारी सैंडल भी जादुई कर दी जिसकी मदद से तुम्हारी जिंदगी में अब कोई दुख परेशानी नहीं आएंगी। बेटा अब मुझे जाना होगा। इतना कहते ही टीना और मीना की मां की आत्मा अदृश्य हो जाती है। दोनों बहनें अपनी मां के कहे अनुसार वह ब्रीफकेस खोल के देखती हैं तो उसके अंदर बहुत सुंदर लहंगा और बहुत सुंदर सैंडल थी। जैसे ही टीना वह जादुई लहंगा पहनती है तो उसके हाथ के सारे जख्म बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और उसके सामने एक सुंदर केक आ जाता है। और मीना वह जादुई सैंडल पहनती है तो उसके भी जख्म बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और सामने तरह तरह के पकवान आ जाते हैं। मीना टीना का जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाती है। दोनों बहनें बहुत ज्यादा खुश थी और पेट भरकर खाना खाती हैं और केक खाती हैं और सुबह होने के बाद अपनी चाची के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं, चाची बस अब बहुत हुआ, हम आपका अत्याचार और बर्दाश्त नहीं कर सकते इसलिए हम इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम दर बदर की ठोकरें खाएंगे तो आप रहिए हमारे महल जैसे घर में, हमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ हाँ शौक से जाओ, जब सड़क पर भीख मांगती फिरोगी और तुम्हें रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी और खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा तब तुम आओगी हमारे घर और हमारी नौकरानी बनकर हमारा काम करोगी। अब तो हम तुम्हें सूखी रोटी दे भी देते हैं, उसके बाद तो हम तुम्हें दो दिन में एक ही सूखी रोटी देंगे, उस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार है। जाओ जाओ जल्दी जाओ। दोनों बहनें खुश होकर अपना महल जैसा घर छोड़कर आ जाती हैं और जादुई लहंगे और जादुई सैंडल की मदद से अपना एक महल जैसा घर ले लेती हैं और दोनों बहनें एक बड़े स्कूल में भी जाने लगती हैं और जादुई लहंगे और जादुई सैंडल की मदद से गांव में जो भी लोग परेशान होते, गरीब होते, अनाथ होते उनकी बहुत ज्यादा मदद करती। इस तरह से दोनों बहनों का बहुत नाम हो रहा था और एक दिन कावेरी और सुनैना को भी पता चल जाता है कि दोनों बहनों का गांव में बहुत नाम हो रहा है। तभी कावेरी अपनी बेटी से कहती है, बेटा मुझे तो लगा था कि दोनों बहनें सड़क पर भीख मांगती फिरेंगी और एक दिन हमारे घर लौटकर आ जाएंगी, लेकिन पता नहीं घर से जाने के बाद उन्हें ऐसी कौन सी धन दौलत मिल गई या फिर इस घर से कौन सा खजाना लेकर गई जो महल जैसे घर में रह रही हैं और लोगों को सोना चांदी खाना कपड़े यह सब बांट रही हैं। सब लोग उनके बहुत गुणगान गा रहे हैं, इतना नाम होते देख मुझे तो जलन हो रही है। क्या करूं बेटा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मम्मी उनके घर चल के देखते हैं ना, आखिर उनके पास कौन सा खजाना है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। दोनों माँ बेटी टीना और मीना के ऊपर नजर रखने लगती हैं और एक दिन दोनों माँ बेटी को पता चल जाता है कि जादुई लहंगे और जादुई सैंडल की मदद से दोनों बहनों के पास इतनी धन दौलत आ रही है जो खत्म ही नहीं हो रही। एक दिन दोनों माँ बेटी मौका देखकर टीना और मीना की माँ का जादुई लहंगा और जादुई सैंडल चुरा कर अपने घर आ जाती हैं और बहुत खुश होती हैं। हमारे तो मजे आ गए, जादुई लहंगे और जादुई सैंडल, तुम दोनों हमें बहुत सारी धन दौलत दे दो, इतनी धन दौलत कि हमसे ज्यादा कोई अमीर नहीं होना चाहिए और हम तो उन दोनों अनाथ बहनों की तरह दूसरों की मदद नहीं करेंगे जिस वजह से हमारी धन दौलत कभी खत्म होगी ही नहीं। वह तो पागल है जो दूसरों की मदद कर रही है। अब तुम जल्दी से हमें बहुत सारी धन दौलत दे दो, हमसे सब्र नहीं हो रहा। दोनों माँ बेटी जादुई लहंगे और जादुई सैंडल की मदद से धन दौलत का इंतजार कर रही थी लेकिन दोनों माँ बेटी को कुछ नहीं मिलता बल्कि बहुत खतरनाक सांप निकल कर आते हैं जो दोनों को ही डस लेते हैं और दोनों की ही तुरंत मृत्यु हो जाती है। इस तरह कावेरी और सुनैना को उनके लालच और बुरे कर्मों की सजा बहुत अच्छी तरह मिल जाती है और टीना और मीना के माँ के जादुई लहंगा और सैंडल टीना और मीना के पास पहुँच जाते हैं जिसकी मदद से दोनों बहनें तो एक हंसी खुशी जीवन जी ही रही थी बल्कि औरों की भी जिंदगियों में खुशियां लेकर आ रही थीं।